चला बाण। मुझे मारेगी तू? अपने बाबा को मारेगी तू? नहीं मार पा रही। अरे मार ना, तेरा बाबा खड़ा है तेरे सामने। चला। पता था, मुझे पता था तू मुझे नहीं मार सकती। नहीं मार पाई ना, अपने बाबा को नहीं मार पाई, अपने अंदर के रावण को नहीं मार पाई। अगर वो रावण ही राम है तो मैं राम, तेरा बाबा। अगर तू शेष नागिन है तो मैं तेरा बाबा हूं, तू मुझे नहीं मार सकती। राम जी, ये कैसे अग्नि परीक्षा आप ले रहे हो मेरी बहन की? आप तो राम हो ना, सच्चाई के पुजारी, तो आइए वो देखिए। झूठ मुस्कुरा रहा है और सच्चाई शर्मिंदा है। सदियों से जलकर आज भी रावण जिंदा है, तो आइए उस रावण को मारिए। मैंने मेरे रावण को मार दिया बाबा। आपको याद है, बचपन में आप मुझे लोरी सुनाते थे और मैं सो जाती थी। आज वही लोरी मैं आपके लिए गाऊंगी और बाबा आपको भी नींद आ जाएगी। बाबा आप भी मेरी तरह गहरी नींद में चले जाएंगे, फिर आपको माँ ले जाने आएगी। सुरमय आँखियों में नन्ना मुन्ना एक सपना दे जा रहे बाबा। दीदी, एक पल के लिए लगा था कि, पर हम फिर अनाथ हो गए दीदी। Happy Baisakhi, Ma. God bless you. Happy Baisakhi, beta. Happy Baisakhi. अरे प्रथा, तुम्हारे वो गुरुजी कहाँ गए? ओह वो मैम, वो तो आज सुबह ही चले गए। वो ठीक हो गए थे तो इसलिए वो चले गए। लेकिन जाते जाते वो थैंक यू बोल के गए सबको। तुम इसलिए सुबह से इतनी अपसेट हो? हाँ वो मेरी बाबा, मतलब मेरे बाबा जैसे थे ना, वो चले गए। प्रथा, कोई बात नहीं है बेटा, एक काम करो, उन्हें यहाँ ले आओ, कुछ दिनों के लिए वो हमारे साथ रहेंगे। नहीं मैं ठीक हूँ। चलो चलो, आज बैसाखी है, रस्में शुरू करते हैं। आज मौसम की पहली फसल कटती है और आज हमारी बहू प्रथा अपनी शादी की पहली बैसाखी का कड़ा प्रसाद बनाएगी। अरे उर्वशी, हैप्पी बैसाखी। हैप्पी बैसाखी। आज मैं तेरे घर जरूर आई हूँ, पर तुझसे मिलने नहीं। तो फिर? यश और समायरा से मिलने आई हूँ। Excuse me? Sorry. यश, ये शगुन की थाली,
मैं तुम्हारा हाथ अपनी बेटी रीम के लिए मांगने आई। वो क्या है ना, ऋषभ ने तो मंडप में ही मेरी बेटी को छोड़ दिया था, उसका दिल बुरी तरह तोड़ दिया था, उसका टूटा दिल जोड़ने आई हूँ मैं, इसीलिए ये सब। बोलो, तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? मॉम, ये सब क्या? मॉम, ऋषभ तुझसे कभी शादी नहीं करने वाला है। बेवकूफ मत बन, प्रथा उसे नहीं छोड़ेगी कभी भी। उसका वेट करती रहेगी तो वेटिंग में ही बुढ़ी हो जाएगी। एंड बाय द वे, यश बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लड़का बहुत अच्छा है। अगर ऋषभ तुझसे सच में प्यार करता है तो वो ये शादी को रोकेगा, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो तुझे तेरा जवाब मिल गया है ना। रीम की शादी की बात सुनकर मुझे बुरा क्यों नहीं लगा? लगता है ऋषभ को बुरा लग गया, इसलिए यहाँ से जा रहा है। बोलो यश, क्या तुम रीम से शादी करोगे? सॉरी, मैं उनसे शादी नहीं कर सकता। क्यों? मेरी रीम बहुत अच्छी लड़की है यश। बहुत अच्छी है, बट मैं उनसे शादी नहीं कर सकता। क्यों? मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी शादी बचपन में ही तय हो गई थी। और जिससे मेरी शादी तय हुई थी, मैं उससे ही शादी करूंगा। माफ कीजिएगा। अब चलो चलो, कल समायरा और रेहान की शादी है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। अब चलो। यश? हाँ, आ जाओ। मुझे पता था तुम आओगे। प्रसाद? ये नीचे तुमने सबके सामने से कैसे बात की? अगर तुम्हारी शादी पहले से ही तय हो चुकी है तो घर वालों को पहले ही बता देते, और आज बताया भी तो कितनी बेदर्दी से। अच्छे से बताना चाहिए था। मैं जानती हूँ हमारी दोस्ती इतनी पुरानी नहीं है, पर एक दोस्त होने के नाते मैं तुमसे इतना तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना कि तुम उनसे अच्छे से बात करो। प्रसाद बहुत अच्छा है। लड़की की माँ ने सबके सामने लड़की का रिश्ता तुम्हारे पास लाया था, और तुमने सबके सामने उस रिश्ते को इनकार कर दिया। उस लड़की को कितना इंसल्ट फील हुआ होगा, उसे अकेले में भी तो बता सकते थे ना। ठीक है, तो फिर अकेले में ही बता देता हूँ। मेरी शादी बचपन में ही तय हो गई थी, और जिस लड़की से मेरी शादी तय हुई थी, मैं उसी को लेने आया हूँ। लेने आया हूँ? वो यही बदरपुर या दिल्ली में रहती है? हाँ, वो यही मेरे पास है। पास मतलब? यही इस घर में, इस कमरे में, मेरी आंखों के सामने। प्रथा, वो तुम, मेरे होने वाली पत्नी तुम। क्या हुआ, इतनी हैरान क्यों हो गई? हमारी शादी होने वाली है प्रथा, यही डेस्टिनी है। तुम एक शादीशुदा लड़की से बात कर रहे हो, अपनी हद में रहो, और आइंदा मुझसे ऐसे पेश कभी मत आना। प्रथा, जो उस दिन मैंने तुम्हें पीछे से थामा था ना, वो ऐसे ही नहीं थामा था, हक था मेरा, तुम मेरी हो, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। चुप, चुप। ऐसी बकवास दोबारा कभी मत करना। मेरे पति बगल वाले कमरे में है, अगर उन्होंने सुन लिया ना। देखो, जो होना है तो वो होके ही रहेगा। तुम मेरे होने वाली बीवी हो, और तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देने का वादा किया गया। जस्ट शट अप। ये क्या क्या फालतू की बकवास कर रहे हो तुम? आइंदा मेरे पास भी मत आना, और ऐसी बेहुदा बातें मुझसे दोबारा कभी मत करना। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा,
अब कल का दिन बोलेगा, कल हमारी शादी होगी। शट अप प्रथा। मेरे पास बताना, तुम्हारी इतनी हिम्मत। हिम्मत नहीं, किस्मत। जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है अब तो वही होगा। तुम मेरी हो और मेरी होके ही रहोगी। तो ये होनी भी देख लो, तुम एक शादीशुदा लड़की से बदतमीजी से पेश आए हो, उसका अंजाम भी देख लो। तुम जानते नहीं मुझे, जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, क्या कर सकती हूं, तो जान लो, नागिन हूं मैं, नागिन, नागिनों की नागिन, शेष नागिन। शेष नागिन हूं तो मैं शेष नाग, मैं ही तुम्हारी कुदरत हूं और मैं ही तुम्हारी किस्मत। तुम्हें क्या लगा था मैं यहां अपनी बहन समायरा की शादी कराने आया था? उसकी शादी की कहानी हमारी कहानी के लिए लिखी थी, और हमारी कहानी में हम दोनों की जोड़ी है। शेष नागिन की किस्मत में शेष नाग के साथ ही शादी लिखी है। ये जो लड़की समायरा है ना, मैं तो उसका बहुत दूर का कजन हूं। ना वो जानती है ना उसका परिवार, कोई नहीं जानता कि मैं शेषनाग हूं। तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा आने वाला कल, हर एक पल में मैं हूं। 6 असुर मिल गए तुम्हें, तुम्हारा काम खत्म। अब वक्त आ गया है कि तुम मेरे साथ चलो। जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, तुम बाकी असुरों के चेहरे नहीं देख पाओगी, क्योंकि तुम्हें देखने भी है और मारने भी। यही तुम्हारा लक्ष्य है और इसीलिए तुम्हें चुना गया। और बाकी असुरों के नाम तुम्हें तभी पता चलेंगे जब तुम्हारा विवाह शेषनाग के साथ होगा। दुनिया के सारे रहस्य शेषनाग के पास है। तुम सर्वश्रेष्ठ शेषनागिन हो तो मैं भी सर्वश्रेष्ठ शेषनाग। वक्त आ गया प्रथा, ऋषभ से अब तुम्हें अपने सारे बंधन तोड़ने पड़ेंगे। तुम्हें उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताना, बस उसे इतना बता दो कि तुमने मुझे चुन लिया, क्योंकि नागलोक से बुलावा आ गया है, शेष नागिन का शेष नाग से विवाह हो। अगर तुम ऋषभ को कुछ नहीं बोल सकती तो मैं बोलूंगा, और तुम अच्छे से जानती हो इसका परिणाम क्या होगा, और मेरे बोलने से बात किस हद तक बिगड़ सकती है इसका अंदाजा है तुम्हें। ऋषभ तुम? मुझे तुमसे ही बात करनी थी। पर मुझे प्रथा से बात करनी थी। ये आसपास दिख नहीं रही है, यहाँ आई क्या? नहीं, प्रथा तो यहाँ नहीं है। तुम शेष नागिन हो तो मैं शेष नाग। मैं ही तुम्हारी कुदरत हूं और मैं ही तुम्हारी किस्मत। शेष नागिन की किस्मत में शेष नाग के साथ ही शादी लिखी है। तुम्हारा आने वाला कल, हर एक पल में मैं हूं। सॉरी। क्या हो गया? सब ठीक है ना? ऋषभ से अब तुम्हें अपने सारे बंधन तोड़ने पड़ेंगे। अच्छा सुनो ना, आज वो रिहान और समायरा की मेहंदी सेरेमनी है, माँ चाहती है कि सारी प्रिपरेशंस तुम करो। प्रथा, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? क्या हुआ?
फैसले की घड़ी आ गई है, मैं किसी एक को चुनना ही होगा। शिव जी ने चुन लिया उन्हें जो मेरे लिए चुनना था, अब मैं किसी और को नहीं चुनूंगी। प्रथा, माँ कह रही थी कि तुम भी मेहंदी लगवा लो। सुनो, भाभी के हाथ में आर बनाना। इन दोनों की शादी इतनी जल्दी जल्दी में हुई थी कि इनकी मेहंदी नहीं हो पाई। गाइस, मुझे आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करनी है। मैं जानता हूं इस घर ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, लेकिन आज उस प्यार में थोड़ी कमी आ जाएगी, क्योंकि आज जो मैं आपको बात बताने वाला हूं वो आप सबने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं और प्रथा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जिस लड़की से मेरी शादी तय हुई थी वो प्रथा ही है। शट अप, शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इतनी बड़ी बात बोलने की? हाँ जी, आप ये बात अपनी बहू से क्यों नहीं पूछती? ये बात ही अच्छे से जानती थी कि हमारी शादी बचपन में ही तय हो गई थी। लेकिन इसकी शादी हो गई। हाँ, हो गई, इसने नहीं की, आपके बेटे ऋषभ ने धोखे से इससे शादी करी थी। और अब मुझे पता चल गया है कि इसने इससे शादी क्यों की थी। तो अब वक्त आ गया है कि आई थिंक प्रथा को इस शादी से रिहा कर देना चाहिए। इसे वो जिंदगी जीने का मौका देना चाहिए जो ये जीना चाहती है, जो इसकी किस्मत में। ये क्या बवाल है परजाई जी? जब से ये लड़की इस घर में आई है ना, तब से हड़कंप मचाती रही है। ये हो क्या रहा है इस घर में? प्रथा, ये सब क्या है? हाँ, ये जो बोल रहा है सच है? सच है क्या? हाँ, मैं यश से प्यार करती हूँ। प्रथा, आज तुमने हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। इसलिए अब मेरे बेटे की जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अब तुम इस घर में नहीं रहोगे। चलो निकलो यहां से। नहीं माँ, ऐसे नहीं माँ। अगर इसको यही पसंद है तो ठीक है। कोई बात नहीं, तुम्हारी शादी उसी से होगी जिससे तुम प्यार करती हो। ऋषभ, ये तो गलत कर रहा है। गलत मैं बहुत पहले कर चुका हूँ माँ।
जब मैंने अपने भाई के खिलाफ जाकर इससे शादी की थी क्योंकि मैं समझता था कि एक देशद्रोही है। गलत वजह से शादी हुई और अब उस गलती को सही करने का वक्त आ चुका है। अब मैं उस गलती को ठीक करूंगा उसकी सही जगह शादी करवाकर। ऋषभ, तू एक लड़की की जिंदगी खराब कैसे कर सकता है? प्रथा, अगर मेरे बेटे की वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हुई है तो अब उसे सुधारने की जिम्मेदारी भी मेरी है। मैं तुम्हारी शादी यश से करवाऊंगी। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पिता को तुम्हारी ये दूसरी शादी मंजूर होगी या नहीं, लेकिन इस बार कन्यादान एक बाप नहीं, एक माँ करेगी। हाँ बेटा, कन्यादान मैं करूंगी। मेहंदी भी लगेगी, डोली भी सजेगी, रस्मों कस्मों के साथ तुम्हारी शादी होगी यश के साथ। हे देव, हे महादेव, और कितनी परीक्षा लेंगे आप मेरी? मैंने अपनी जिंदगी में अपने बाबा से बहुत प्यार किया था और उनकी मौत की वजह भी मैं ही बन गई। मैं ऋषभ से सच्चा प्यार करती हूँ और हमारे इस रिश्ते की मौत भी मेरे ही हाथों होगी। ऋषभ जी ने जिस भी वजह से मुझसे शादी क्यों ना की हो, पर हो तो गई ना, रिश्ता तो जुड़ गया ना। आपने भी सती पार्वती से शादी की थी और जन्मों जन्मों तक सती के पति ही जाने गए। ऐसे पवित्र रिश्ते को मैं कैसे तोड़ू? प्रथा, यही तुम्हारी किस्मत है। पर दीदी, आप तो सब कुछ जानती है, उसके बावजूद आप यश का साथ दे रही है। बात साथ की नहीं है, तुम्हारी किस्मत की है प्रथा। यश और तुम्हारा साथ तुम्हारी किस्मत में ही लिखा है। शेष नागन की शादी शेष नाग से ही हो सकती है, ये नागलोक में लिखा है प्रथा। प्रथा, तेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। तेरी 21वीं जन्मदिन के बाद पहली नीली चांद की आधी रात को शेष नाग से तेरी शादी होगी और तुम इस शादी के खिलाफ नहीं जा सकती हो। हमारा काम यहाँ पूरा नहीं होगा प्रथा। आगे के असुरों के नाम हमें तब ही पता चलेंगे जब शेष नाग से तुम्हारी शादी होगी और ये शेष नाग की किताब में लिखा है। प्रथा, वक्त आ गया है, अपनी किस्मत की तरफ बढ़ो। जो भी असुर इस घर से जुड़े थे उनके नाम और उनके अंजाम हमें मिल गए, अब बस बाकी असुरों का पता लगाना है। तेरी जंग अभी बाकी है और तुझे ये शादी। दीदी, मेरी शादी हो चुकी है। ये तेरा इस पृथ्वी का बंधन है प्रथा, क्योंकि तेरा और शेषनाग का बंधन कायनात में लिखा है, इस कुदरत और इस ब्रह्मांड में लिखा है, स्वयं भगवान ने लिखा है। हाँ, मुझे पता है तुझे ऋषभ से प्यार हो गया है, पर ये मत भूलना प्रथा कि तुम एक शेष नागिन हो। तुम प्यार के लिए नहीं बनी हो, तेरी हद और तेरी सरहद कुछ और है, तेरी जिंदगी का मकसद कुछ और है। सीमा, मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ। सीमा, अब देखना, तुझे अपने बेटे की गलती की सजा देनी पड़ रही है, तुझे अपनी ही बहू की शादी किसी और से करानी पड़ रही। बट आई एम श्योर सीमा, ये ऋषभ को प्रथा से ज्यादा अच्छी लड़की मिलेगी। आन्या, सीधी जा। जाओ जाकर देखो प्रथा तैयार हुई कि नहीं, मुहूर्त का समय हो गया। प्रो यार, लाइफ में एक पटियाला फैद आ जाए ना तो लाइफ में ऐश हो जाए। समायरा, तेरे इधर आना। ये लड़का रेहान जिससे तुम शादी कर रही हो ना, ये सही नहीं है, एक नंबर का फ्लॉट है।
एक लड़की के साथ इस हद तक मिसबिहेव किया कि उसकी जान तक भी ले ली। वेट, सबूत है मेरे पास, अभी दिखाती हूँ। मुझे कुछ नहीं देखना और कुछ नहीं सुनना। रेहान मुझे ऑलरेडी बता चुका है कि तुम्हें वो पसंद नहीं, तो तुम ये शादी तोड़ने की बहुत कोशिश करोगे पर तोड़ नहीं पाओगे। वैसे तुम हो ही कौन? जस्ट ए ब्लडी सिक्योरिटी इंचार्ज, सो जस्ट गेट लॉस्ट। क्योंकि शादी तो मैं सिर्फ रेहान से ही करूंगी। काम करो, सारा सामान यहीं बेड पर रख दो। भाई अब जाइए, भाभी को मैं रेडी करती हूँ। अन्या तुम जाओ, प्रथा को मैं रेडी कर दूंगा। ठीक है। अब प्रथा, इतनी ज्वेलरी तो काफी है ना तुम्हारे लिए, आप और जाकर लेकर आऊं? एक बार मेरी बात। या फिर तुम्हारे सोलमेट के साथ तुम्हारी शादी और धूमधाम से होनी चाहिए थी। ऋषभ, मेरी बात। मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी करी थी ना, तो अब ये मेरा ही फर्ज हुआ कि तुम्हारी शादी मैं तुम्हारे प्यार से करवाऊं। और देखो, मैं तुम्हें अपने हाथों से सजाऊंगा। प्रथा, ये तुम्हारा अतीत है और अतीत को पीछे ही छोड़ देना चाहिए। जो हासिल है तुम्हें पसंद नहीं, जो पसंद है उसी को हासिल कर लो। आंटी जी, हमारे यहाँ परंपरा है, हमारी शादी कुलदेव के मंदिर में ही होती है। अच्छा, अगर परंपरा है तो निभानी तो पड़ेगी। जाओ बेटा। मैम, आपके घर में शादी है, आप रेहान की शादी में रहिए, मैं प्रदा को मंदिर लेके जाती हूँ। ठीक है, आ जाओ। प्रथा, तुम्हारी शादी की शुभ घड़ी आ गई है। आसमान में सब ऋषि आए तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए। मुहूर्त का वक्त हो रहा है,